आज एक दिन के लखनऊ दौरे पर पहुंचेंगे बीजेपी के अध्यक्ष अमित शाह। सोशल मीडिया कार्यशाला में शिरकत करेंगे। यूपी चुनाव को लेकर रणनीति पर भी होगी चर्चा। नर्सों की हड़ताल आज भी जारी है। हड़ताल से स्वास्थ्य और इमरजेंसी सेवाओं पर असर पड़ रहा है। स्वास्थ्य विभाग ने हालांकि हड़ताल पर गई नर्सों को कार्रवाई की चेतावनी दी है, लेकिन इसके बावजूद नर्सेस हड़ताल पर अड़ी हैं। जालौन में एक प्रेस वार्ता में स्वामी प्रसाद मौर्य ने बीएसपी के संस्थापक कांशीराम की मौत के मामले में बयान देते हुए कहा कि वो सरकार में आते ही पहले कांशीराम की मौत के मामले की जांच कराएंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि बीएसपी अब तीसरे पायदान पर आ गई है और 2017 के चुनाव में बीजेपी बीएसपी से सीधी टक्कर है। फिरोजाबाद में सत्याग्रह मंच से बीजेपी विधायक ने नगर निगम के कर्मचारियों को जेल भेजने की धमकी दे डाली। उन्होंने कहा कि नगर पालिका के आला अधिकारियों को अगर आप अपनी हरकतों से बाज नहीं आएंगे तो एक एक अधिकारी को जेल भेजकर ही मारूंगा। फतेहगढ़ में बाइक सवार बदमाशों ने एक शिक्षिका को जबरदस्ती मोटरसाइकिल में बिठाने का प्रयास किया। विरोध करने पर उस पर चाकू से वार कर दिया और पर्स मोबाइल छीनकर भाग गए। फिलहाल पुलिस ने अज्ञात बदमाशों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करा दी। इलाहाबाद के सर्किट हाउस में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष केशव प्रसाद मौर्य ने एसपी सरकार पर हमला बोलते हुए कहा, राज्य में अपराधियों और भ्रष्टाचारियों का बोलबाला है। बीजेपी की सरकार बनी तो सबके कारनामों की जांच होगी। कांग्रेस की यात्रा का भी यहां पर जिक्र करते हुए उस पर कटाक्ष किया। इलाहाबाद में कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी ने आप नेता आशुतोष के बयान पर निशाना साधते हुए कहा है कि ऐसे बयान पर आशुतोष को पार्टी से निकाल देना चाहिए। अयोध्या में महंत ज्ञानदास ने बीजेपी के वरिष्ठ नेता सीपी ठाकुर के बयान का विरोध किया है। महंत ज्ञान ने सीपी ठाकुर को पिटा हुआ नेता बताते हुए अयोध्या मसले में के सहारे अपनी राजनीति चमकाने का आरोप लगाया है। कानपुर में गोविंदनगर में एक व्यक्ति से भीड़भाड़ वाले इलाके में बाइक सवार बदमाशों ने मोबाइल छीन लिया और मौके से फरार हो गए और ये पूरी घटना वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई है। कानपुर में जीजा ने साली के बच्चे को बंधक बनाकर साली से यहां पर दुष्कर्म किया। ससुराल वालों ने दोनों को पकड़कर महिला के बाल बेड से काट दिए। जीजा ने थाने में ससुराल वालों पर मारपीट का मुकदमा दर्ज कराया। हालांकि जो महिला का पति है उसका ये कहना है कि यहां पर ब्लैकमेल करके उनकी पति के साथ दुष्कर्म किया गया। बहराइच में तीन दरिंदों ने एक महिला के दूध मुहे बच्चे को कब्जे में लेकर उसकी मां के साथ दुष्कर्म किया। वहीं सूचना पर पहुंचे ग्रामीणों ने आरोपियों को पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस ने तीनों आरोपियों पर मामला दर्ज कर दिया। फैजाबाद में डॉक्टर कॉलोनी में डॉक्टर का संदिग्ध हालात में शव मिला है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मामले की जांच में जुट गई है। बहराइच पुलिस ने डकैत गिरोह के 6 डाकुओं को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने इनके पास से 70,000 रुपए, 12 बोर के तमंचे, 6 कारतूस समेत चाकू बरामद किया है। बताया जा रहा है कि आरोपी पुलिस की वर्दी पहनकर डकैती की घटनाओं को अंजाम देते थे। मथुरा के देवसेरस गांव में चल रहे खूनी गैंग वॉर के चलते सैकड़ों परिवार गांव से पलायन को मजबूर हैं। बताया जा रहा है कि गांव में 3 साल से 2 दबंग गैंग के लोगों की पुरानी रंजिश चली आ रही है, जिसमें अब तक गांव के दर्जनों लोगों की हत्या हो चुकी है और पुलिस भी इन आरोपियों पर कार्रवाई नहीं कर रही। शामली में भूमाफियाओं ने डीएम के आदेश पर तालाब में हो रही खुदाई को जबरदस्ती रुकवा दिया और वहां मौके पर काम कर रहे मजदूरों को भगा दिया। सूचना पर पहुंचे ईओ और चेयरमैन की दबंगों से इस मसले पर जमकर बहस भी हुई। वहीं नगर पंचायत के ईओ ने दबंगों के खिलाफ कार्रवाई की बात कही है। लखनऊ में व्यापार मंडल के लोगों में एक बैठक हुई, जिसमें 30 सितंबर को व्यापारी दिवस मनाने की घोषणा की गई। इस बैठक में व्यापारियों ने जीएसटी बिल में कई खामियां निकाली और बिल की खामियों को केंद्र सरकार से दूर करने की अपील की है और ऐसा ना करने पर आंदोलन की चेतावनी दी है। बुलंदशहर में मजदूर संगठन ने सरकार की नीतियों के विरोध में जिला मुख्यालय में जोरदार प्रदर्शन किया। इस दौरान एक प्रदर्शनकारी महिला बेहोश हो गई, जिसे अस्पताल में भर्ती कराया गया। घटना के बाद से अधिकारियों ने बगैर सूचना पर प्रदर्शन कर लोगों को भड़काने वाले नेताओं पर कार्रवाई की बात कही है। रामपुर में एक अध्यापक के तबादला होने के बाद स्कूली बच्चे, उनके माता पिता सब फूट फूट कर रोए। दरअसल इस टीचर ने यहां कुछ ही महीनों में पूरी कायाकल्प कर दी थी। बच्चों को इस टीचर का पढ़ाने का तरीका इतना पसंद था कि वो अपने टीचर मुकेश के तबादले से बेहद दुखी हैं, बहुत उदास हैं। झांसी में भगवान कृष्ण की प्रतिमा को दूध पीने की अफवाह फैलने के बाद मंदिर में लोगों की भीड़ जुटनी शुरू हुई। मंदिर पहुंचकर भगवान को दूध पिलाने लगे। विज्ञान को मानने वाले घटना को सामान्य बता रहे हैं। गोरखपुर
गोरखपुर में 6 सितंबर को राहुल गांधी किसान पदयात्रा का शुभारंभ करेंगे। यात्रा देवरिया रुद्रपुर से शुरू होगी। यात्रा का उद्देश्य किसानों से जुड़ना है। मुरादाबाद के थाना भगतपुर के आने वाली मानपुर चौकी पुलिस ने मामूली सी बात पर युवक को बुरी तरह पीट दिया। पीड़ित का कहना है कि अमरूद को लेकर बच्चों में विवाद था, इसी को लेकर मानपुर चौकी इंचार्ज उन्हें चौकी ले आया और बुरी तरह पीट दिया। आगरा के एतमादौला इलाके के टेडिया बगिया क्षेत्र में दो दुकानदारों के बीच जमकर मारपीट हुई। दुकान में काम करने वाले नौकर की वजह से ये पूरा विवाद हुआ। अलीगढ़ के थाना मडराक की आसना पुलिस चौकी पर नशे में धुत सिपाही ने फॉलोवर और चौकी इंचार्ज से मारपीट की। घायल चौकी इंचार्ज अस्पताल में भर्ती है। एसएसपी ने आरोपी सिपाही को निलंबित कर दिया है। बिजनौर के तिमरपुर स्वास्थ्य उपकेंद्र पर प्रसव करा रहे स्वास्थ्य कर्मियों को डरा धमकाकर बदमाशों ने नकदी सोने चांदी के जेवर लूट लिए। सरकारी कर्मचारियों से लूट पर एसपी समेत अनेक अधिकारी मौके पर पहुंचे और जल्द ही बदमाशों को पकड़ने की बात कही। शामली में पुलिस ने तलाशी के दौरान दो शातिर चोरों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से चोरी का माल और बाइक बरामद हुई है। मामला सदर कोतवाली का है। हाथरस में पुलिस ने एक लुटेरे को दबोचा है। आरोपी से एक तमंचा, कारतूस और सोने के जेवर बरामद हुए हैं। मामला थाना हाथरस गेट क्षेत्र के रुहेरी के पास का है। भदोही जिले में बाढ़ से भारी नुकसान हुआ है। प्रशासन के सर्वे के मुताबिक अब तक 148 हेक्टेयर फसल तबाह हो चुकी है। जिले के 73 गांव बाढ़ से प्रभावित हैं, जिसमें ज्ञानपुर तहसील के 54 और औराई तहसील के 19 गांव शामिल हैं। फिरोजाबाद के शिकोहाबाद में एसबीआई के एक बुजुर्ग से ठग ने नकली नोट बताकर 1 लाख की ठगी कर ली। ठग ने बताया कि नोटों की गड्डी में कई नोट नकली है और उनके रुपए लेकर चंपत हो गया। लखनऊ जल निगम के पेंशन विभाग में बगैर पैसों के कोई भी फाइल खिसकती नहीं है। 2500 से 5000 रुपए में 3 महीने का काम 1 घंटे में करने का दावा किया जाता है। पूर्व अधिशासी अभियंता ने बाबू की रिश्वतखोरी का वीडियो बनाकर इसे सामने ला दिया। आगरा में चल रहे सेक्स रैकेट के खिलाफ आगरा पुलिस ने अभियान छेड़ दिया है। एसएसपी आगरा के नेतृत्व में शहर की कई जगह छापेमारी हुई। कृष्ण कान्हा होटल से 4 युवती समेत 6 युवकों को गिरफ्तार किया गया। कानपुर देहात में 2 अलग अलग थाना क्षेत्रों में 2 मासूमों के साथ दुराचार का मामला सामने आया है। घटना डेरापुर थाने की है। एक युवती से 2 दबंगों ने गैंगरेप किया। वहीं रसूलाबाद में भी 2 दबंग युवकों ने एक नाबालिग के साथ दुराचार किया। गोरखपुर के बीएसए कार्यालय के पास गर्ल्स हॉस्टल में प्रिंसिपल ने 15 साल की दृष्टिहीन छात्रा से दुराचार किया। पीड़िता ने परिजनों को आपबीती बताई। मामला राजघाट थाना क्षेत्र का है। मेरठ में कॉलेजों के बाहर छात्रा से छेड़छाड़ करना एक मंचले को भारी पड़ा। 2 मंचलों पर लोगों का गुस्सा फूटा और दोनों की जमकर पिटाई कर दी गई। पीलीभीत में पुलिस ने वर्दी की मर्यादा को तार तार किया। वर्दी में पुलिस वालों ने जमकर गदर काटा। बैंक बाजे पर पुलिस वाले ठुमके लगाते रहे, भूल गए कि थाने में ऑन ड्यूटी है। पीलीभीत के पिपरिया गांव में निजी कार्यक्रम के दौरान जमकर अश्लील डांस हुआ। बार बारों पर जमकर नोटों की बारिश हुई और पुलिस को इसकी भनक भी नहीं लगी। जब पुलिस को ये बात बताई गई तो पुलिस जांच की बात कहकर खामोश है। वाराणसी के कचहरी वरुणा पुल निवासी युवक की लाश मिलने से सनसनी फैल गई। लाश के चेहरे पर चोट के निशान है, जिससे हत्या की आशंका जताई जा रही है। परिजनों का कहना है कि युवक का दिमागी संतुलन भी काफी दिन से ठीक नहीं चल रहा था। शामली में डग्गामार वाहन और ट्रैक्टर ट्रॉली की भिड़ंत में 1 यात्री की मौत हो गई, जबकि दर्जनों यात्री गंभीर रूप से घायल हो गए। फतेहपुर में 4 महीने पहले छात्रा परवीन की हत्या का पुलिस ने खुलासा किया है। परवीन की हत्या उसी के पिता और भाई ने की थी। दोनों करोड़ों की जमीन बेचना चाहते थे, लेकिन परवीन बेचने नहीं दे रही थी, जिसके बाद उसे मौत के घाट उतार दिया गया। प्रतापगढ़ के कंधई इलाके में शांति आदर्श विद्यालय में कुछ शोधों ने एक छात्रा से छेड़खानी की। प्रिंसिपल ने विरोध किया तो शोधे प्रिंसिपल से भिड़ गए। इसके बाद अपने कई दोस्तों को बुलाकर प्रबंधक की स्कूल के सामने ही पिटाई कर दी। अमरोहा में भारतीय किसान यूनियन ने किसानों की समस्याओं को लेकर डीएम को ज्ञापन सौंपा। किसानों की मांग है कि 11 सितंबर तक अगर समस्याओं का समाधान न हुआ तो राज्य भर में चक्का जाम किया जाएगा।